सर गाइस वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। सो गाइस आज मैं आया हूँ तरवी, मतलब तरवी एक विलेज है बीजापुर से एक 10 to 15 किलोमीटर तक। सो लास्ट वीडियो में जो है हम संगीतमाल गए थे जो कि तरवी से एक दो किलोमीटर दूर है। सो अभी हम आए प्रॉपर तरवी विलेज में। सो इस विलेज में एक दो प्लेसेस है, एक तो नरसिंह स्वामी टेम्पल और दूसरा है लक्ष्मी टेम्पल। सो उस दोनों में हम पहले आए हैं लक्ष्मी टेम्पल। सो उसके बारे में कुछ बताने से पहले अंदर जाते हैं और टेम्पल देखते हैं। चलिए। अभी जो है मंदिर में आ गया हूँ। सो मैंने आपको ऑलरेडी चारों तरफ से मंदिर दिखा भी दिया। और एक बात आपको बताऊँ, ये मंदिर जो है 150 साल पहले बिल्ड किया गया है लेकिन अभी रिसेंटली रिनोवेट किया गया है। सो आज जो है इस मंदिर का महोत्सव स्टार्ट होने वाला है लेकिन मैं कुछ जल्दी आ गया और वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। सो ये मंदिर में मंगल कार्य भी है जिधर बहुत सारे शादियाँ ऑलरेडी हो भी चुके हैं। सो और एक आपको बताऊँ, इस विलेज में आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस विलेज में एक टेंपल है नरसिंह स्वामी टेंपल। सो अभी जो है हम उधर जा रहे हैं। वो टेंपल करीबन 1200 ईयर्स अगो बिल्ड किया गया है, वो काफ़ी ओल्ड है, मतलब पुराना है, गोल गुंबद से भी काफ़ी साल पुराना। सो उसके बारे में और कुछ जानते हैं लेकिन उधर चल के, चलिए चलते हैं। अभी जो है हम आ गए नरसिंह स्वामी मंदिर। सो आप पीछे दो देख सकते हैं, ये कि नरसिंह स्वामी टेंपल। सो ये करीबन 1200 साल पुराना मंदिर है लेकिन इसे रिनोवेट किया है और रिनोवेट करके भी 100 साल से भी ज़्यादा हो। सो इसके बारे में और कुछ जानते हैं, अंदर चलिए। सो ये जो आप देख सकते हैं, ये एक हनुमान जी का एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर है। सो और एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, चलिए। सो गाइस ये एक अंडरग्राउंड टेंपल है, एक देख सकते हैं एक टनल है, मतलब सब टाइल्स वगैरह है, रिनोवेट किया गया है। सो और एक बात बताता हूँ, ये एक विंडो जो है ना, इधर से हम शिव मंदिर देख सकते हैं, एक शिव का स्टैचू भी है। सो इधर से हम वो देख सकते हैं। सो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, बोला था ना। सो ये जो बुक है वो रामायण बुक है, मतलब रामायण जो है बहुत तरह के है। ये रामायण बुक जो है तरवी रामायण का है। सो इसे कुमार वाल्मीकि जी ने लिखा है। सो ये ओरिजिनल रामायण बुक है, तब के पेजेस है, काफ़ी पुराना देख सा है, उसे देख के ही पता चलता है। सो एक बार आप ही देख लीजिए। सो मैंने अभी जो आपको क्लिप दिखाया ना शिव मंदिर का, सो उधर एक सुरंग है एक्चुअली और वो बंद किया गया है और वो सुरंग जो है डायरेक्ट गोल गुंबद को कनेक्ट होता है। सो तब कहा जाता है कि आदिल शाह उस सुरंग से आता था और इधर दर्शन करके वापस जाता था ताकि डायरेक्ट मंदिर को कनेक्ट हो, इसलिए एक सुरंग बनाया गया। सो इस मंदिर के बारे में जितना भी था आपको बता भी दिया, दिखा भी दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।